हेलो गाइस, आप देख रहे हैं BISC रिव्यूज। तो फाइनली इस दिवाली पर होने वाला है बहुत ही बड़ा क्लैश, वो भी बॉलीवुड के महान महाराजा अजय देवगन सर की आने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन मूवी सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया 3। यस, यानी कि यहां पर आप सभी को पता है कि ये दोनों मूवी सेम डेट पर रिलीज हो रही है, यानी कि दिवाली पर रिलीज हो रही है। इनका आपस में क्लैश होने वाला है और यहाँ पर इन दोनों मूवीज के क्लैश को लेकर भाई साहब जो रोहित शेट्टी सर है उन्होंने एक शॉकिंग अपडेट दी है, एक अपना जो एंग्री रिएक्शन है वो दिखाया, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जितने भी यहां पर अजय देवगन सर के फैंस हैं, वीडियो को लाज़मी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ऐसी अपडेटेड वीडियोस को देख सके। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहां पर सबको पता है कि सिंघम अगेन मूवी भाई साहब बहुत बड़ी मूवी होने वाली है। इस मूवी का स्केल काफी बड़ा है, एक्शन सीक्वेंस काफी बड़े लेवल पर हमें देखने को मिलने वाले और इस मूवी के अंदर बहुत सारे कैमियोज हैं। तो यहां पर नो डाउट सभी जानते हैं कि भाई साहब ये मूवी बहुत बड़ी ओपनिंग लेगी और वहीं इस मूवी के साथ क्लैश करने वाली है भूल भुलैया 3। तो यहां पर रोहित शेट्टी सर से भाई साहब सवाल किया गया था कि आपकी मूवी सिंघम अगेन भूल भुलैया 3 के साथ क्लैश करने वाली है, क्या आपको ये क्लैश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जो भूल भुलैया 3 के मेकर है वो कह रहे हैं कि हमने सिंघम अगेन मूवी के साथ क्लैश नहीं किया, बल्कि सिंघम अगेन मूवी वाले हमारी भूल भुलैया 3 मूवी के साथ क्लैश कर रहे हैं। तो यहां पर जो रोहित शेट्टी भाई साहब उन्होंने अपना एक जो एंग्री रिएक्शन है वो दिखाया और उन्होंने बोला है कि यहां पर दिवाली कोई छोटा मोटा फेस्टिवल नहीं है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है और हर साल इस फेस्टिवल के ऊपर भाई साहब मूवी रिलीज होती हैं, आपस में क्लैश होती हैं। तो यहां पर सिंघम अगेन मूवी अगर रिलीज हो रही है या फिर भूल भुलैया 3 के साथ क्लैश कर रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। यस, यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं कि रोहित शेट्टी सर ने जो एंग्री रिएक्शन दिखाया है उसमें उन्होंने ये बात साफ साफ बोल दी है, बल्कि आप कह सकते हैं कि हमें इस बात से भाई साहब अंदाजा लग जाता है कि सिंघम अगेन मूवी का स्केल कितना ज्यादा बड़ा है। और उसके बाद रोहित शेट्टी सर को इस मूवी के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। यस, यानी कि यहां पर क्योंकि भूल भुलैया 3 भी कोई छोटी मोटी मूवी नहीं है, ये भी फ्रेंचाइजी मूवी है भाई साहब, थर्ड पार्ट है इस मूवी के। इस फ्रेंचाइज के जो फर्स्ट टू पार्ट आ चुके हैं वो बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़े आप कह सकते हैं कि सक्सेस फुल रहे हैं। लेकिन यहां पर दूसरी तरफ अगर बात करें सिंघम अगेन मूवी की, तो भाई साहब इस मूवी को लेकर हमें पहले दिन से पता था कि ये मूवी जब भी रिलीज होगी बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाएगी। तो यहां पर अब तो रोहित शेट्टी सर ने एंग्री रिएक्शन में ये बात साफ कर दिया है कि चाहे भूल भुलैया 3 इस मूवी के साथ रिलीज हो या ना हो या कोई और बड़ी मूवी इसके साथ भाई साहब रिलीज हो जाती है, क्लैश कर लेती है, लेकिन दिवाली पर यह मूवी रिलीज होगी और बॉक्स इस पर अच्छा कलेक्शन करेगी। यस, यानी कि यहां पर रोहित शेट्टी सर ने बहुत ही अच्छी बात की है, क्योंकि भाई साहब आप सभी को पता है कि दिवाली कोई छोटा मोटा फेस्टिवल नहीं होता, हर साल मूवी रिलीज होती है, क्लैश करती है, जो अच्छी मूवी होती है वो बॉक्स ऑफिस पर चलती है, जो बड़ी मूवी होती है वो चाहे सोलो भी रिलीज हो जाए। यस, यानी कि यहां पर आप सभी को पता है कि हाल ही में अक्षय कुमार सर की कितनी मूवी सोलो रिलीज हुई है, क्लैश में रिलीज हुई है, लेकिन भाई साहब पब्लिक ने नहीं पसंद की तो वो आप कह सकते कि बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। उसके अलावा अदर स्टार्स भी हैं, लेकिन अक्षय कुमार काफी बड़े स्टार हैं इसलिए मैंने उनकी आपको एग्जांपल दिया। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि अगर दोनों मूवी सेम डेट पर रिलीज होती हैं, भूल भुलैया 3 अच्छी निकलती है बॉक्स ऑफिस पर, अच्छा कलेक्शन करेगी, अगर सिंघम अगेन मूवी अच्छी बॉक्स ऑफिस पर निकल कर आती है, पब्लिक को पसंद आती है, तो ये मूवी डेफिनेटली अच्छा कलेक्शन करेगी, क्योंकि इस मूवी का स्केल भी काफी बड़ा है और एक्शन मूवी। और दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि अगर दोनों मूवीज अच्छी निकल कर आती है तो भाई साहब दोनों मूवीज अच्छा कलेक्शन कर सकती है, क्योंकि गदर 2 और MG2 मूवी जब दोनों बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी तो दोनों मूवीज को पब्लिक ने पसंद किया था और दोनों मूवीज बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करने में कामयाब हुई थी। तो दोस्तों यहां पर क्लैश हो रहा है तो बड़ी बात नहीं है। हां, यह बात जरूर है कि सिंघम अगेन मूवी ने जहां पर फर्स्ट डे पर 50 करोड़ कमाने थे वहां शायद यह मूवी 35 करोड़ कमा ले, 40 करोड़ कमा ले, क्योंकि इस मूवी के कलेक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, स्क्रीन काउंट जो कम होंगे। तो दोस्तों यहां पर आप इस मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले और रोहित शेट्टी सर के रिएक्शन पर आप कितना ज्यादा एग्री करते हैं हमें देख सकते।